मुस्कुराएं, आप लखनऊ में हैं। कोशिश मुस्कुराने की बदस्तूर जारी थी। ये है एक मंडी। हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली की मंडियों में उतारे जाते हैं, बेहतर जिंदगी के उन्हीं कॉलोनियल सपनों के साथ जिसका रास्ता सरकारी नौकरियों से होकर जाता है। इस त्याग तपस्या के कई चरण हैं। पहला चरण है राजस्व में लेखपाल, रेलवे में ASM या बैंक में क्लर्क बनने का। ये बनते ही आप इस जगत की माया को जीत लेते हैं और सुंदर बेटियों के पिता वरमाला लेकर आपका इंतजार कर रहे होते हैं। द्वितीय चरण है बैंक PO और SSC CGL, जिसे निकालने का मतलब आपकी कुंडलियां जागृत हो गई है और आप अब किसी भी शहरी कन्या को सीधे अप्रोच कर सकते हैं। परंतु इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं करेगी आपको अप्रोच। देवता आपको 8 सिद्धि और 9 निधि देने के लिए आपके पीछे घूमते फिरेंगे। तीसरा और आखिरी चरण UPSC, जिसे क्वालिफाई करते ही आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। फिर आपको इस नश्वर संसार से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे जल्दी चल, खा खा के बैल हो गए, लेकिन 2 झोली पकड़ी तो हवा निकल गई। ऐसे बनोगे IPS? बस इन्हीं सरकारी सपनों के साथ ये लड़के इन मंडियों में उतारे जाते हैं। जो जीत जाता है, समाज उसे दोनों हाथों से सर पे उठा लेता है। जो हार जाता है, वो वापस कभी सर नहीं उठा पाता। और कुछ ऐसे ही सपनों के साथ मैं भी पहुंच गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी, और आज था कॉलेज का पहला दिन। मेरे मामा जी कहा करते थे, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज और नो लाइफ विदाउट हॉस्टल लाइफ। उम्र के इस पड़ाव पर अगर बंदा थोड़ा इन गलियों में भटक भी जाए तो क्या। पर वो कहते हैं ना, सबके दिमाग में अपनी पिक्चर चल रही होती है। जमीन पर वापस आने के बाद याद आया कि पहली क्लास फिजिक्स की थी। राज रजत सिंह, साला नाम पढ़ते ही लगा था जैसे खेत बेचकर आए हैं पढ़ने। पूरा पान मसाला टाइप नाम। मैं BA करना चाहता था, पर पिताजी BTech कराना चाहते थे। पूरे खानदान की इज्जत दुहाई और लंबे गृह युद्ध के बाद बात BSc पर बनी। BSc विद फिजिक्स मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। क्लासरूम अखंड भारतीय संरचना के अनुसार 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी लड़कियां और दूसरी तरफ लड़के। उम्मीद पाले आया था कि इंटर के सूखे के बाद कम से कम ग्रेजुएशन में तो गलबहिया वाले फूल खिलेंगे, पर यहां भी वही कुप्रथा। मैं जाकर सबसे पीछे बैठ गया और सारे लड़के लड़कियों के बारे में अपनी राय बनाने लगा, जैसे कि ये लड़का क्लास में गिटार लेकर क्यों आया है, ये कैसा रजिस्टर है। फिर समझ आया, अरे देहाती लड़के, वो iPad है। बड़ी शान से फिर मैंने अपने अस्त्र शस्त्र बाहर निकाले, मेन का रफ, सिर्फ बुद्धिमानों के लिए। सोचा कि पहले साल टॉप करके कुछ इमेज बनाई जाए, फिर देखते हैं सबको, बड़े आए iPad में नोट्स बनाने वाले। और फिर एंट्री हुई उसकी, जिसके कारण सब बदलने वाला था। गाइस, मैंने टाइम शेड्यूल चेंज करने के लिए एप्लीकेशन रेडी कर दिया है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने साइन भी कर दिया है। यू गाइस फॉलो अप एंड इफ एनीबॉडी गॉट एनी करेक्शंस, मोस्ट वेलकम। कौन है ये लड़की? गजब एक्सेंट है इसका तो। मतलब अंग्रेजी हमको भी आती थी, पर हम बोल नहीं पाते थे, और सारे कॉन्वेंट वालों को आती कम थी पर बोलते ज्यादा थे। वो हर किसी के पास पहुंच रही थी और एटीट्यूड ये था कि ला मार्टिनेर की लड़की का लिखा एप्लीकेशन है, चुपचाप साइन करो, पढ़ने की जरूरत नहीं। जब पास आई तो उसे कुछ अच्छे से देख पाया। उसने ब्लैक कलर की स्किन टाइट जींस पहनी हुई थी और नीचे चप्पल थी। ऊपर जो पहना था, कुछ धागों से वो नीला कपड़ा कैसे तैसे लटका हुआ था,
लेकिन सिलेबस पूरा कवर्ड था। अगले ही पल वो पास खड़ी थी। हाथ हटाएंगे प्लीज। अपने पिछले स्कूल में सबकी इंग्लिश मैं ही करेक्ट करता था, इसलिए प्रूफ रीडिंग की आदत गई नहीं थी। इट्स जस्ट अ बेसिक लेटर, आई हैव ऑलरेडी प्रूफ रीड इट। मुझे लेटर में कुछ दिखा। यहाँ होना चाहिए वी हम्बली रिक्वेस्ट योर परमिशन, न कि वी रिक्वेस्ट योर हम्बल परमिशन। एक्चुअली हमारी रिक्वेस्ट हम्बल होगी, न कि मैम की परमिशन। ओह थैंक्स, मैंने नोटिस नहीं किया था। अगर आप किसी कॉन्वेंट एजुकेटेड की गलती निकाल दें तो एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं। इंटर में इंग्लिश में 94 नंबर लाना कोई छोटी बात थोड़ी ना थी। बाय द वे, आई एम प्रेरणा, प्रेरणा दीक्षित। हाथ आज तक मिलाया नहीं था किसी लड़की से, जन्म से चरण स्पर्श करते चले आ रहे थे। पहली बार किसी लड़की से हैंडशेक करने का मौका आया तो फट गई। हाय, आई एम रजत। फिर वो चली गई, पर फिर याद आया कि मेरा इंजन 3-4 किक में स्टार्ट होने वालों में से था और ये लड़की सेल्फ स्टार्ट जमाने की थी। रजत, 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 अरे उठो यार, कब से फोन कर रहे हैं तुमको। हाँ क्या यार ठाकुर, तुम मरवाओगे किसी दिन। अच्छा चाय मंगवाओ। लिफाफे में क्या लाए हैं मिश्रा जी? 2 चाय भिजवा दो। चाय स्पेशल रखना, फोन तो देख लिया करो कम से कम। CIT साहब ने एक्सप्लेनेशन कॉल फॉर किया है। अब लंच पर भी ना जाए आदमी। तुम कहाँ पंगे लेते हो, आधे घंटे बाद चले जाते लंच पे। मुस्कुराओ नहीं, तुम्हारे चक्कर में हम सुनते हैं। अपने यूपी वाले होने का ज्यादा ही फायदा उठाते हो तुम। हेलो दिशा। समझते क्या हो, मैं कितनी देर से कॉल कर रही हूँ। बहुत बिजी हो गए हो। मैं अहमदाबाद आई हूँ। कब, किस लिए? आज, और तुमसे मिलने। गधे, तुम्हारे डिपार्टमेंट बिल्डिंग के पास वाले CCD में बैठी हूँ। सच में, कितनी देर से? तुम आओ पहले, सारी बातें फोन पे ही करोगे क्या? और सुनो, आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे? आज 12 फरवरी है। मुझे जाना होगा, चाय कैंसिल कर दीजिए। अम्मा क्या है, कैंसिल कर दें यार, 2 कप पी लेंगे हम। और हाँ, ये दीक्षित बिल्डर्स फाइल लेते जाओ, इसे देख लेना, कल बात करते हैं इस पे। इस पे एक हाफ सील का एप्लीकेशन लिख देंगे प्लीज, वो ड्यू टू सम अर्जेंट पर्सनल वर्क वाला फॉर्मेट। मुझे तो वो वाला फॉर्मेट याद है, मैं राज रजत सिंह चौहान अपने पूरे होशो आवास में अपनी सारी चल अचल संपत्ति पंकज मिश्रा के नाम। और ये रहा CIT मेमो रिप्लाई, जाते वक्त थमा दीजिएगा। फोन ले लिए हो अपना? CCD चलिए भैया। क्या होगा आगे, कौन है ये दिशा और प्रेरणा का क्या हुआ, जानने के लिए जरूर देखें देहाती लड़के का अगला एपिसोड और तुरंत करें चैनल को सब्सक्राइब।